आरोग्य जागृति आरोग्य हीच खरी संपत्ती। मात्र आज या धावपळीच्या युगात आपल्या अनमोल शरीराला रोगमुक्त ठेवण्यासाठी कुणालाच वेळ नाही। अशाच लोकांसाठी आरोग्य जागृती या कार्यक्रमात आपल्या शहरासह मराठवाड्यातील तज्ज्ञ डॉक्टर्स तुम्हाला घर बसल्या आपल्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी व प्रथमोपचार कसा करावा याचे मार्गदर्शन करतील। आरोग्य जागृती या कार्यक्रमात तर बघत रहा आरोग्य जागृती। आपल्या दारी न राही कुणी उपचाराभावी हाच आमचा ध्यास। मैं डॉक्टर प्रगति शिरपेवार पिछले 10 साल से औरंगाबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा जो नज़रिया है कि आजकल मतलब पहले जो चीज़ें काफ़ी आसानी से होती थी आज उसी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी जा रही है। जैसे इनफर्टिलिटी, ये इतना पहले इशू इम्पॉर्टेंट नहीं था पर आज इतना इंसिडेंस हम देखते हैं उसको, जिसके लिए फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल है और मेल भी रिस्पॉन्सिबल है। यही दिमाग में रख के मैंने 5 साल से टेस्ट टू बेबी सेंटर चालू किया है, लाइफ टेस्ट टू बेबी सेंटर रामनगर कॉर्नर औरंगाबाद में। तो ये जो है प्रॉब्लम बढ़ती क्यों जा रही है, जिसके लिए खाली महिला ही जिम्मेदार नहीं है। महिला 30% तक जिम्मेदार रहती है, पुरुष 30% तक जिम्मेवार रहते हैं, दोनों मिलके 30% और बाद में जो 10% बचते हैं जो कारण हमें पता ही नहीं चलता है उसका, ऐसा मिला के 100% कारण रहता है प्रेगनेंसी ना रहने का। तो आजकल ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रहा है, अगर हम अभी डिवाइड करते हैं कि समझो पहले फीमेल प्रॉब्लम लेते हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी, तो ये क्यों होता है। जैसे समझो कि किसी की माहवारी है, टाइम पे नहीं आती है, किसी की माहवारी मतलब महीने में 2 बार आती है, किसी की 2 महीने में 1 बार आती है, किसी को माहवारी में ज़्यादा जाता है, किसी को माहवारी में तकलीफ़ बहुत होती है, तो इनको क्या बोलते हैं, PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, पॉलीप, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसके कारण पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है। ये रहा माहवारी का बराबर आना, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि ओवुलेशन बराबर ना होने के कारण प्रेगनेंसी ना ठहरना। दूसरा चीज़ रहता है कि जो नलियाँ रहती है, थैली की जो नलियाँ रहती है वो अगर चोकअप है, वो बंद है, उसको इन्फेक्शन ग्रस्त अगर वो ट्यूब्स रहते हैं तो भी बच्चा नहीं ठहरता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस में, PID में ये चीज़ें होती हैं। तो उसको हम लैप्रोस्कोपी, ये जो हम दूरबीन की जाँच बोलते हैं, बच्चा ठहरने से अगर जिसको नहीं ठहरता है तब हम ये करते हैं, तो उसको हम लैप्रोस्कोपी द्वारा ओपन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूबल रिकनलाइजेशन। तो उसमें रिजल्ट्स अपने को काफ़ी हद तक अच्छे मिल जाते हैं। तो हम इसमें हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी, जिसमें हम थैली को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से देख के जो भी प्रॉब्लम है वो हम सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे हम गाड़ी ख़राब हो गई तो उसकी हम सर्विसिंग करते हैं, तो हमें पता है कि यूट्रस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो उसको देखना ज़रूरी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी। और जो कारण है थैली के अंदर का, मतलब जिसे हम बोलते पर्दा अच्छा ही नहीं बनता है आपका, तो क्यों नहीं बनता है, उसमें इन्फेक्शन है क्या, जिसे हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, या पॉलिप है, या छोटी सी गांठ है, या पर्दा है। किसी किसी को 2 थैलियाँ रहती है, किसी की थैली में पर्दा रहता है, तो जिसके कारण बच्चा ठहर भी जाता है तो बाद में हमेशा उसका गर्भपात होते रहता है, तो वो भी हमें रूल आउट करने का चांस मिल जाता है। अभी हमें ये पता चल गया कि फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या कॉज है, अभी हम जाएंगे मेल इनफर्टिलिटी की तरफ। अभी हम देखते हैं तो ये जो प्रमाण है इतना बढ़ चुका है मेरे हद से, अभी मैं हर महीने को औरंगाबाद मराठवाड़ा के हर एक तालुका प्लेस में हम कैंप करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उसमें हम, मेरा मेन उद्देश्य है कि हम पेशेंट को गाइड करें। हर पेशेंट तो हमारी तरफ पहुंच नहीं सकता है पर उनको एटलीस्ट गाइडेंस होना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके हम कहाँ जाके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कितने साल तक हमें घर बैठना चाहिए। कि मुझे घर पे हिस्ट्री है 15 साल नहीं हुए थे, अभी भी हम 15 साल रुकेंगे तो बूढ़े होने के बाद हमारे चांसेस और कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मेल इनफर्टिलिटी मुझे लगता है जो बढ़ रहा है आजकल, फर्टिलाइजर्स का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है और वहाँ से जो होता है स्पर्म के DNA को बहुत अफेक्ट होता है। जैसे खेती में जो काम करते लोग हैं, फर्टिलाइजर्स इतने मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि जैसे जीव जंतु मर जाते हैं
हैं तो अपने को तो कुछ भी तकलीफ होनी चाहिए। मतलब वो मेरा ये फार्मर्स के लिए जो शेतकरी है उनके लिए ये रहेगा, खेती करने वालों के लिए संदेश, जब आप जा रहे हो फवारी करने के लिए या कुछ, तो आप मास्क इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपने तो मेल में क्या क्या प्रॉब्लम रह सकती है, आदमी में क्या क्या प्रॉब्लम रह सकते हैं, तो जैसे कि शुक्राणु की संख्या जिसे हम स्पर्म बोलते हैं वो कम रहना, अगर उनकी क्वांटिटी अच्छा है तो उनकी गति कम रहना यानी ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया, और अगर अच्छा है सब कुछ पर वो दिखने को अलग ही रहना मतलब टेराटोस्पर्मिया, मतलब दो हेड रहना या टेल में प्रॉब्लम रहना, और ऐसा भी होता है कि ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं रहना, तो उसमें दो कारण रह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव ये यानी आपकी नली चोकअप हो गई है तो हम डायरेक्टली आपके अंडाशय से स्पर्म निकाल के टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं, या अगर सेंट्रल अजोस्पर्मिया है तो उसके लिए प्रॉब्लम हमें अलग से जाना पड़ता है जिसमें हमें कभी कभी डोनर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और जिसके लिए मतलब सरकार और हम ये सब मिलके प्रयत्न होता है, कुछ भी इलीगल नहीं होता है उसमें। और जैसे अभी हमने देखा कि मेल और फीमेल के प्रॉब्लम्स है, तो अभी हम ट्रीटमेंट क्या क्या जाए और कब हम हॉस्पिटल जाए, कब हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, जिसकी शादी को एक साल हुआ है और आप प्रयास कर रहे हो बच्चा रहने के लिए, तो आपने बच्चा नहीं ठहरता है तो आपको अस्पताल में जाके एटलीस्ट ये देखना चाहिए फीमेल ने सोनोग्राफी करके कि आपके यूट्रस कैसा है, सर्विक्स कैसा है, आपके ट्यूब्स कैसे हैं, आपके ओवरीज कैसे हैं। सोनोग्राफी और HSG जो बेसिक टेस्ट है उसमें पता चल जाता है, और ओविलेशन स्टडी उसमें हमें फीमेल्स की काफ़ी हद तक जानकारी हो जाती है, और मेल का जो टेस्ट होता है वेरी सिंपल, ओनली वन टेस्ट दैट इज सीमेन एनालिसिस विल शो अस ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। अगर ये हम बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट वन मंथ तक सिक्स मंथ्स तक हम उन्हें ट्रायल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, 3 months ओनली काउंसलिंग एंड 3 months उनको हम टैबलेट्स दे सकते हैं। अगर इन लोगों को 2 साल तक बच्चा नहीं ठहरता है देन आवर एक्शन प्लेज आवर रोल कम्स इन इट, लाइक हम लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं, और आगे जो भी प्रॉब्लम है जैसे मैंने बोला है कि नली अगर बंद है चालू हो गई तो बहुत अच्छा है, TB का प्रॉब्लम आया तो 6 महीने गोली उनको देने पड़ता है, फाइब्रॉइड है वो निकल जाते हैं, एंडोमेट्रोसिस है वो क्योर हो जाता है, PCOD है उसका प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है, पर अगर नलियाँ परमानेंटली डैमेज है उन केसेस के लिए हम लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी करने के बाद कंपलसरी हम उनको टेस्ट ट्यूब बेबी का सुझाव देते हैं। पेशेंट को हर टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, पहले जैसे ओवुलेशन स्टडी करते हैं उसके बाद हम सोनोग्राफी करके उनको देखते हैं कि कब उनका ओवुलेशन हो जाता है, तब रिलेशंस आए तो अच्छे से रिजल्ट आ सकता है, और अगर लगता है कि मेल फैक्टर कम है शुक्राणु कम है ऐसे केसेस में हम उनको IUI जैसे कृत्रिम बीजारोपण जैसे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड विच गिव्स गुड रिजल्ट। अगर इन सारी चीज़ों में फेल हो जाते हैं जैसे नॉर्मल रिलेशंस में फेल हो गए, स्कोपी हो गई, 3 से 4 साइकिल अपने IUI के भी हो गए फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन यू आर फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या रहता है, IVF एंड ICSI ये दोनों प्रकार रहते हैं उसमें, और फिर ICSI से IMSI और लेज़र हैचिंग ये उसमें एडवांस टेक्निक है जिसका टेस्ट ट्यूब बेबी बार बार फेल होता है उसके लिए वो यूज़ किया जाता है। मैडम ये ओबेसिटी इसके लिए कितना ये मतलब यूज़, ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर फॉर बोथ मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। जैसे हम लाइफ स्टाइल चेंजेस बोलते हैं, आज खाना पीना में हम देखते हैं कि होटलिंग का खाना बढ़ गया है, ओबेसिटी बढ़ गया तो तुमको थायरॉयड है क्या देखना पड़ता है, और PCOD का प्रॉब्लम फीमेल में बहुत कॉमन है ओबेसिटी का, एंड अगर आपको तभी पिकअप हो जाता है कि आपका बच्ची को जब प्यूबर्टी हम बोलते हैं कि मेंसेस शुरू होते हैं लेट शुरू होते हैं या उनको पीरियड्स बराबर नहीं आते हैं और मोटापा दिखता है, आप तभी से उसको नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए जो PCOD है प्रॉब्लम आ रहा है तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है ना वेट लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओबेसिटी आपका जो BMI है लेस देन अगर 23 आता है तो यू आर अ वेरी गुड पेशेंट टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। मैडम ये अनुवंशिकता कितना प्रमाण आता है, इसमें अनुवंशिकता का कितना बारे में बता सकते हैं? अनुवंशिक
ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अनुवंशिक है, इन्फेक्शन कुछ अनुवंशिक से नहीं रहता है, खाली एक दो चीज़ें हैं, जैसे प्रीमैच्योर ओवेरियन मेनोपॉज हम बोलते हैं, जैसे समय से पहले महावारी का बंद होना, ये हिस्ट्री बहुत जानना ज़रूरी है, जिसके मम्मी जी को, जिसके माता जी की महावारी जो है 35 साल को या 40 साल के पहले अगर गई है, तो मेरा ये उन लोगों के लिए संदेश है, तो अपने जो लड़कियाँ हैं उनकी शादी आप टाइम पर करवा दीजिए, बहुत लेट ना करवा दीजिए उसको, और शादी के बाद बच्चा होना भी काफ़ी प्लानिंग उनको जल्दी करना पड़ता है। नहीं, अगर उनको करियर है या कुछ है तो आप एक फ्रीजिंग के लिए जा सकते हैं, पर आपकी जो समय की जो क्लॉक है वो बहुत तेज़ी से चलती है, जिसको प्रीमैच्योर ओवेरियन मेनोपॉज बोलते हैं। और मेल में एक रहता है वाई क्रोमोसोम से लेके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, दीज आर जेनेटिकली ट्रांसमिसिबल, तो हम कभी भी टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं उसके पहले मेल और फीमेल दोनों का कंपल्सरी जेनेटिक इवैल्यूएशन करवाते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। मैम, आज न्यू कमर में ही चल रहा है कि भाई सेटल होने के बाद अपन प्लान करते हैं, इसके ऊपर भी कितना प्रभाव पड़ सकता है? तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल और फैमिली दोनों कंबाइन करके आप जाते हैं तो आपको जो आधुनिक टेक्निक है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप अगर लगता है सेटल होने के लिए 10 साल आपकी शादी के बाद जाएंगे और उसके बाद बेबी चलेंगे, पर आपका एज तो बढ़ते जाएगा, आप उसको स्टॉप नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको बीपी शुगर के साथ आपका जो फीमेल का, बेसिकली मेल को इतना फैक्टर नहीं पड़ता है, पर फीमेल का ओवेरियन रिजर्व इज फिक्स्ड एट द बर्थ, तो इसीलिए मतलब मैंने आपको बोला है कि पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, आज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आज एज ऑफ मैरिज इज़ इंक्रीजिंग। जैसे हम बोलते हैं कि पहले 21 ना 17 18 को हो जाती, उतना भी नहीं, एटलीस्ट 21 साल को शादी हो जाती है तो उनको अच्छे से रिजर्व मिलता है, पर आज शादी का जो है मैं हर बार देखती हूँ 28-30 है, तो आपको उसके बाद तो तुरंत प्लान करना चाहिए। आफ्टर 30 एज डाउन सिंड्रोम या जेनेटिकली ट्रांसमिसिबल जो डिसीज़ है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, तो जिसको ये प्लान करना है उसके लिए एग फ्रीजिंग बोल के जो टेक्नोलॉजी है वो भी अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर दैट। पर ऐसा नहीं है कि हम पूरा करियर करेंगे, आप ये भी नहीं करोगे तो फिर बाद में जो कमाया इसमें गंवाना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। मैडम, ये IVF के बारे में आज जो न्यू कमर में या फिर ओल्ड एज जो लोग हैं इनमें गैर समझ है, तो इसके बारे में आप क्या बताएं? गलतफहमी जो बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसा होता है, तो इसके बारे नहीं, में नहीं, गलतफहमी किस चीज़ की सर? मतलब गलतफहमी किस चीज़ की सर? IVF से करते हैं तो जो स्पर्म जो यूज़ करा जाता है तो वो जैसा आपने बताया कि मेडिकली गवर्नमेंट अप्रूवल अपन किया जाता है, तो कुछ जगह ऐसा चल रहा है है? नहीं, दिस इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, ऐसा दिमाग में आना भी नहीं चाहिए, ऐसा करना बहुत बड़ा अपराध है। जैसे भी मतलब कौन देगा आपको, मतलब हु इज़ गिविंग इट हैज़ टू बी लाइक वहाँ पे गवर्नमेंट का ये रहता है रूल कि स्पर्म डोनर किसको है, एक डोनर किसको है और क्यों ज़रूरत है हर चीज़ की, तो जिसके लिए स्पर्म है ही नहीं उसके पास अवेलेबल, जिसको हम बोलते हैं कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, उस बंदे के लिए ऑप्शन ही नहीं है कुछ, तो ही डोनर स्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें पूरा कंसेंट रहता है पेशेंट का, खाली मेल का नहीं, फीमेल का भी कंसेंट लगता है और डॉक्टर का भी कंसेंट लगता है। ऐसा नहीं मेल कोई आता है मुझे प्रॉब्लम है आप मेरे वाइफ को नहीं बताओ, ऐसा नहीं जमता है, दोनों के सम्मति अनुसार ही चीज़ें होती है। और ऐसा करोगे तो आप गवर्नमेंट को कभी भी हमें आंसर्स देने पड़ेंगे, हमें पूरा उनका कंसेंट पेपर क्यों करते हैं क्या नहीं, ये सब कुछ लीगल प्रोसेस होता है, विदाउट कंसेंट पेपर नहीं होता है। और 90% लोगों को डोनर की ज़रूरत ही नहीं लगती है, जैसे नली चौकअप है या संख्या कम है, उसके लिए तो खुद के जीन्स रहते हैं, वी डोंट हैव टू ऐड समथिंग टू दैट, एंड डूइंग दैट दैट इज कम्प्लीटली इलीगल। पर आखिरी में मेरा संदेश सबके के लिए रहेगा कि हमने मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हर एक डॉक्टर का कहना होता है कि हम इनफर्टिलिटी ना हो इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे आप एक्सरसाइज डेली करो, आपका वेट कंट्रोल में करो, और इन्फेक्शन जिसे होता है वो चीज़ें आपको कंट्रोल में रखनी चाहिए, वो हम मतलब जो हम पर्सनल हाइजीन बोलते हैं वो मेंटेन करना चाहिए। सो आई थिंक एक्सरसाइज डाइट एंड पर्सनल हाइजीन इज़ द की कि हम इस चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, जो अपने हाथ में है वो। ठीक है, थैंक यू।